नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी गुरुवार को पहली बार कानपुर पहुंचे हैं। निकाय चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कानपुर में वे 17 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पदाधिकारी अपने कामकाज की प्रेजेंटेशन भी उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी के स्वागत के लिए होर्डिंग बैनर से कानपुर शहर को सजाया जा चुका है। वो भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्र पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। उसके बाद भाजपा कानपुर उत्तर, दक्षिण एवं ग्रामीण जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने तैयारियों को परखने के लिए 2 दिन से कानपुर में डेरा डाला हुआ है। बता दें कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कानपुर आने का शेड्यूल पार्टी ने पहले ही जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक उन्हें नई दिल्ली शताब्दी से दोपहर 11:20 पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचना था, लेकिन करीब 40 मिनट देरी से शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों के साथ जमकर उनका स्वागत किया। बता दें कि सभी उत्तर जिले के भाजपाइयों को 11 बजे स्टेशन पहुंचने के लिए कहा गया था। वहीं जनप्रतिनिधि, भाजपा जिला पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने लाइन में खड़े होकर भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से टाटमिल, बाबूपुरवा, किदवई नगर चौराहा से होते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव नगर स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। बता दें कि भाजपा उत्तर और दक्षिण जिला इकाई की ओर से स्टेशन से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक करीब 100 से ज्यादा स्वागत द्वार बनाए गए हैं। बाकरगंज चौराहा से पहले तक स्वागत की जिम्मेदारी भाजपा उत्तर जिला संभालेगा। उसके बाद स्वागत की जिम्मेदारी दक्षिण जिले के पदाधिकारी संभालेंगे। किदवई नगर चौराहा एवं वृंदावन गेस्ट हाउस चौराहा से पार्टी कार्यालय तक उनका स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के गुजरने वाले रास्तों को होर्डिंग बैनर से पाट दिया है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।